आज भी दीप और अगले आ, आ, हफ्ते दो हफ्ते के लिए आपको क्वालिटी मिड कैप्स क्वालिटी स्मॉल कैप शेयरों में जहां करेक्शन ठीक हो गया है वहां आपको खरीदारी करनी चाहिए ऐसा तो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बनेगा, दीप वही पे बनेगा अप्रैल के सेकंड हाफ से हम कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप मिड कैप स्मॉल कैप जो आपको अच्छा लगे जो पसंद आए अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक मई के महीने में दाके बैठ जाओ खास बात जिस पर नजर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कम, मौके ढूंढी ढूंढे एक चीज क्लियर कट है जो मैं लाइन बार बार हर रोज एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इसलिए आप लोगों का समय क्यों स्मॉल कैप शेयरों का समय क्यों वहां पर पैसा लगाना चाहिए अभी मौका है आपके हंड्रेड परसेंट में तो कहीं दो आई नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी मौके आपके लिए खरीदारी के हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रहेगी 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 है थी और रहेगी मिड कैप स्मॉल कैप पैसा तो वहीं बन रहा है वहाँ तो बना वहीं बन रहा है पकड़ के रखो बढ़िया क्वालिटी के शेयर को पकड़ के रखो अभी भी पैसा बनेगा अभी, अभी भी, 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 पैसा। भी, भी पैसा अभी भी बनेगा ये बढ़िया ट्रेंड पकड़ा था सर मुझे याद है मार्च एंड अप्रैल ऑनवर्ड से जब ये रैली शुरू हुई थी तब से आप कह रहे हैं लगातार पकड़ के रखो और जल्दी एग्जिट नहीं करना है पूरा मुनाफा कमाना है इसमें इस बार बिल्कुल दीप और अभी अभी भी अभी भी मिड कैप कैप स्मॉल शेयरों में पैसा बनेगा बनेगा अभी भी बनेगा और फिर मैं बोलूंगा कि जो स्टॉक आपके पास अच्छा है जिसकी क्वालिटी को लेकर आपको डाउट नहीं उसको जल्दी से बेचिए मत जो बायर आपसे शेयर खरीदना चाहता है जब तो उसको पूरा फोमो ना हो जाए हाँ, कि मैंने गलती कर दी जो मैंने मार्च अप्रैल मई में नहीं खरीदा अब मैं किसी भी दाम पर मुझे खरीदना ही पड़ेगा तब तक आप ओने पौने दामों पर मत बेचिए और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपके साल डेढ़ साल दो साल पहले कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीदे हुए हैं वापस लाइफ हाई पर आए वहां भाव आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए मत भेज दीजिए कि मेरा भाव आ गया अभी भी उनको पकड़ के रखिए सिर्फ भाव आने पर एग्जिट नहीं करना है पार्किंग नहीं देनी है आपको कमाना है कमाना है आपको पार्किंग वो च... कहते हैं ना कि विजन बड़ा रखो एक ये कि आप पार्किंग लॉट में काम कर रहे हो तो पार्किंग चार्जेस ले रहे हो ये सोचो कि पूरा पार्किंग लॉट में कैसे खरीदूँ बजाय एक एक गाड़ी से पार्किंग के पैसे लेने के पूरा पार्किंग लॉट आपका होना चाहिए वो वाली चीज सोचो बड़ा सोचो इसलिए जल्दी से इन शेयरों को अभी आपको बेचना नहीं है अभी भी पैसा बनेगा क्यों बनेगा अब आज इसके लिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा देना चाहता हूं जी पहली चीज तो ये जबरदस्त पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है जून महीने के जो आंकड़े आए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आया है वो तीन हजार दो सौ चालीस करोड़ से बढ़कर आठ हजार छह सौ चालीस करोड़ एक सौ पैंसठ परसेंट आपका इनफ्लो बढ़कर आया है तो जैसे ही तेजी लौटी है कैसे लोग वापस मार्केट में आ रहे हैं डायरेक्टली आए या म्यूचुअल फंड के थ्रू पहली चीज जो एवरेज बढ़ा है वो लगभग लगभग साढ़े चार परसेंट बढ़ा है इक्विटी म्यूचुअल फंड ओवरऑल म्यूचुअल फंड का जो अब लगभग लगभग पैंतालीस लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है जी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो जून के महीने में स्मॉल कैप फंड में जो पैसा आया है स्मॉल कैप से रिलेटेड डेडिकेटेडली स्मॉल कैप फंड है उसमें आया पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपए के आसपास का ये हाईएस्ट एवर है साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए सिर्फ स्मॉल कैप फंड में आ रहे हैं बाकी फंड मिड कैप लार्ज कैप मल्टी कैप फंड में जो पैसा जाता है वो तो अलग है डेडिकेटेड यहां पर है और ये लगातार तीसरा महीना जहां सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप फंड में आ रहा है मिड कैप लार्ज कैप जिससे और किसी भी तरह के कैप से कंपेयर कर लें स्मॉल कैप फंड पे लगातार पैसा है इसलिए जहां पैसा आ रहा है तेजी वहीं होगी खरीदारी वहां होगी पिछले बारह महीनों में हर महीने आप देखें तो स्मॉल कैप फंड में पैसा है, लार्ज कैप्स के मुकाबले में ज्यादा है तो जब हम आ, मार्च के अंत में अप्रैल की शुरुआत में जब हम स्मॉल कैप की रैली की बात कर रहे हैं तो वो इसी वजह से कर रहे थे कि दिग्गजों में रैली की शुरुआत हो और वहां पर आपके पास जहाँ पैसा है और इनफैक्ट अगर आप देखें साल भर में ओवरऑल अट्ठाईस हजार करोड़ के आसपास का पैसा आया है स्मॉल कैप फंड में और लार्ज कैप फंड में मालूम है कितना है आठ सौ पचास करोड़ का आउटफ्लो है वहां से पैसा निकला है स्मॉल कैप में लगाइए अगर कोई dedicated small में पैसा आ रहा है, तो फंड के पास तो वहीं लगाना पड़ेगा कैप का देखा ने कहा कि हम और एप्लीकेशंस नहीं लेंगे क्योंकि इतना पैसा स्मॉल कैप फंड में आ रहा है इसलिए हल्की फुल्की एक डेढ़ दो दिन का जो करेक्शन होता है स्मॉल कैप में वापस चल पड़ते हैं और इसलिए कई बार आप अच्छी क्वालिटी के आईपीओ को देख रहे हैं जहां पर अब पैसा है लगाना तो ही है ही अगर आपको यह भरोसा है कि कंपनी ठीक है और लिस्ट ऊपर होगी तो फिर हर फंड लगाना चाहता है हर है। फंड थोड़ा शेयर लेना चाहता है इसलिए आप देख रहे हैं कि एंकर बुक में भी, भी बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं सो आई थिंक स्मॉल कैप में अभी भी तेजी है पिछले सात महीनों से लगातार स्मॉल कैप फंड में दो करोड़ हर साल आ रहे हैं हर हर महीने आ रहे हैं इससे आप अंदाजा लगाइए ये एक और चीज़ है अच्छा अब दूसरी बात यह दीप कि चलो पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा आने से क्या होता है जब तक कि परफॉर्मेंस ना है पिछले एक महीने में निफ्टी साढ़े तीन परसेंट बढ़ा है स्मॉल कैप फंड छह परसेंट डबल डबल स्मॉल कैप इंडेक्स टू फिफ्टी तीन महीने में निफ्टी साढ़े दस परसेंट स्मॉल कैप बीस परसेंट डबल पिछले छः महीने में हुँ. निफ्टी छः परसेंट बढ़ाए स्मॉल कैप ग्यारह परसेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल एक साल में साढ़े इक्कीस परसेंट निफ्टी का रिटर्न है और स्मॉल कैप का रिटर्न साढ़े तीस परसेंट इससे आप अंदाज लगाए अच्छा ये सिर्फ स्मॉल कैप की कहानी नहीं है मिड कैप में भी यही इसी तरह की कहानी बन रही है और साढ़े आठ सौ करोड़ निकले लार्ज कैप से इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ठंडे नहीं हो रहे और इसलिए मैं कह रहा हूं अब भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा बनेगा पैसा बनेगा बनेगा और इसलिए आपको याद होगा हमने एक शो भी किया था

जो फंड्स के पसंदीदा है और तीसरे वो शेयर हैं जो अब तक नहीं चलेंगे इसलिए चलेंगे अब बाकी चलेंगे ये नहीं चले सो so, इन तीनों कैटेगरी में आपको जो शेयर खरीदने वो कैटेगरी बी के खरीदने राइट जो फर... जो के पसंदीदा शेयर है है ना सिर्फ मोमेंटम की वजह से कर रहे तो वो क्या है? आपने लिया एक दो दिन में बेच दिया कर दिया वो तो ठीक है लेकिन अगर वो रह गए तो फिर पता चला कभी करेक्शन आए तो अ, 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 साल डेढ़ दो साल आपको सेकने पड़ेगा हा, हाँ फिर वापस जब भाव आएगा फिर आप सोचोग तो मतलब कमा ही नहीं पाता मैं तो हमेशा फंस जाता फिर मार्केट को दोष देंगे वो ठीक नहीं तीसरा जो सिर्फ इसलिए खरीदना है कि अब तक ये नहीं चला है यही बाकी रहेगा इसलिए चलेगा वो नहीं लेना है अब तक नहीं चला तो उसका कोई कारण होगा ठीक है पंद्रह दिन की तेजी महीने भर की तेजी में ना चले तो समझ में आता है पूरे चार महीने की तेजी हो गई है स्मॉल कैप में उसके बावजूद नहीं चल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी इश्यू प्रॉब्लम है अब अच्छी क्वालिटी के शेयर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आप कैसे ढूंढेंगे मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम के पोर्टफोलियो उठाइए देखिए फंड्स की पसंद के शेयर निकाल लीजिए क्योंकि अल्टीमेटली नीचे आएंगे तो ये जो फंड के पास पैसा पड़ा है वहीं आके कैश वाला है तो मैं आ, आपको याद होगा पिछला शो जब हमने किया था हमने ये डेटा निकाला करीबन करीबन पैंसठ हजार करोड़ रुपए पड़े हैं इन म्यूचुअल फंड्स के पास कैश पड़ा है जो लगने को तैयार है पैंसठ हजार करोड़ सा, सारा का सारा इक्विटी फंड्स के पास पैसा पड़ा है सो कैश लेवल हाईएस्ट है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जबरदस्त पैसा आ रहा है और जहां पैसा है वहां कैसी मंदी एक्जैक्टली exactly. ये डेटा आपको दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आपका मिटकैस क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा सवाल है ना हर वीकेंड पे कहीं भी मैं जाता हूँ कहीं भी सबसे ज्यादा बेच दू क्या बेच दू क्या बेच exactly. मतलब सब निकल जाए सब निकल जाए वो सवाल सबसे ज्यादा है इसलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एड्रेस करके दे रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी के शेयरों को बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में ना रहे नहीं तो क्या वापस लिया नहीं जाएगा और लेंगे तो कुछ ऐसा ले लेंगे जो या तो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है या वैल्यूशन वाइज सस्ता नहीं है और फिर आप दुखी होंगे तो इसलिए बेहतर है जो है उसको अच्छे से पकड़ अच्छे से पकड़ के रखिए बिल्कुल तो हाथ से जाने नहीं देना नहीं नहीं सवाल ही नहीं बड़ी मुश्किल से ऐसी तेजी पकड़ में आई है मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ दी फोकस पूरा अब कोविड के बाद एक ही चीज़ पे बाजार के बड़े ट्रेंड को छोड़ना नहीं छोटे वाले तो ठीक है ऊपर नीचे होंगे कल चलते चलाते रहेंगे फॉर एग्जाम्पल कल परसों चोला दिया भाग गया कल नहीं भागा नीचे आ गया ये तो रोज के है कभी ऊपर कभी नीचे चलेगा लेकिन बड़ा ट्रेंड है अगर चोला को दो सौ रुपए बढ़ना है तो बढ़ना है वो दो सौ रुपए की बीस रुपए की कमजोरी चलेगी दो सौ की तेजी नहीं छूटनी चाहिए right. रुपए ऊपर नीचे चलेगा लेकिन दो सौ रुपये बनना है तो उसको होल्ड करके पकड़ के रखना है वो वाली चीज है तो वो पोजिशनली जो बड़ी तेजी बन रही है या बड़ा मूवमेंट आ रहा है ऊपर या नीचे की तरफ का वो स्टॉक्स में और सेक्टर्स में मार्केट में पकड़ना जरूरी है और उसी पर फोकस है उसी पर फोकस है हमारा बिल्कुल सर और इसमें एक क्रेडिट आपको भी जाता है कि सही समय पर जो सही सलाह आपने दी जब रैली शुरू हुई तब आपने बोला लीजिए थ्रू द रैली आपने ये नहीं बोला कि आप जाने दीजिए होल्ड करिए मुनाफा बे, अपना अच्छा अच्छा एक भी बार नहीं, नहीं, दिया।, तो नहीं दिया रोज की कमेंट्री से कभी भी कई बार लोग रोज की कमेंट्री से भी जैसे बीच में दो बार हमने बोला कि थोड़ा ऊपर में सावधान है रेंज बाउंड मार्केट होगा वो रोज की कमेंट्री है जो पोजीशनल कमेंट्री और रोज की कमेंट्री में फर्क है जो इन्वेस्टर्स हैं जो पोजीशनल पोजीशनली ट्रेड करते हैं दो चार हफ्ते छह महीने दो महीने के लिए उनकी कमेंट्री अलग होगी और जो डेली ट्रेड करने वालों की तो अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आप कंफ्यूज तो so, इसलिए ये रोज का काम है वो तो है ही है ये तो देखिए हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है हाइपर <laughs> <आईपर> मार्केट है <laughs> हर तरह का प्रोडक्ट है आपको आप जब घुसते तो आप पहले से हाइपर मार्केट में घुसने की एक ही कंडीशन है <laughs> पहले आप डिसाइड करके घुसो को मुझे क्या लेना है नहीं तो पता चला जो चीज लेनी है वो उस काउंटर तक पहुंचे ही नहीं उसके पहले आपकी बास्केट पूरी भर गई है <laughs> <laughs> पैसे भी खत्म हो गए वैसा है सो आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है आपको क्या समझ में आता है आप इन्वेस्टर है डे ट्रेडर है ऑप्शन करते हैं कैश के स्टॉक्स लेते हैं फ्यूचर्स करते हैं उस हिसाब से आपको देखना जरूरी है चलिए तो इंजॉय करिए अभी भी होल्ड करिए अनिल जी आपको सही समय पर सही सलाह देंगे इस पर भी आ...